नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक इतिहास में। दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने एंड्रॉइड मोबाइल से डिश एंटीना को सेट कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर आपको सेट फाइंडर ऐप तो ये सर्च कर लेना, और यहाँ पर पाँचवें नंबर पर एप्लीकेशन दिखेगी सेंड फाइंडर, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो डाउनलोड करने में। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड करने लेना है, या तो प्ले स्टोर से या फिर मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ इसकी रेटिंग है 4.3 की, तो ये बहुत ही अच्छी रेटिंग है। तो अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले नोटिफिकेशन बार को ओपन करना होगा, और यहाँ पर आपको जीपीएस का ऑप्शन मिलेगा, उसको पहले से ही ऑन करना होगा। तो यहाँ पर आप पहले से ऑन कर लीजिए, तो मैंने अब ऑन कर लिया है, पहले से ही ऑन करके रखा था जीपीएस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको जीपीएस ऑन करने के बाद क्या करना होगा, अपना जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में थोड़ा ऐड का प्रॉब्लम मिलेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। तो अब आप एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा सेट फाइंडर। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, अब आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे, तो 6 ऑप्शन में आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सैटेलाइट फाइंडर, तो हमें इसमें ही जाना है। तो इसमें चलते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर ऐड आएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली कट के निशान पर क्लिक कर देना, तो हमारा ऐड है वो कट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर जो भी सैटेलाइट आपको सेलेक्ट करनी है वो आपको कैसे सेलेक्ट करना हो, तो यहाँ पर PAKSAT-1R तो ये लिखा आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सेलेक्ट सैटेलाइट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सेलेक्ट किया था सैटेलाइट, तो यहाँ पर आपको सैटेलाइट सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आप सैटेलाइट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जो आपको सेट करनी हो वही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी सैटेलाइट मिल जाती है हमें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सैटेलाइट मिल जाती है लिस्ट में, तो Intelsat-12 है, Intelsat-50 है, बहुत सारी सैटेलाइट हैं। और यहाँ पर हम एक सैटेलाइट ट्रैक करते हैं, NSS-12, NSS-5, NSS-6, बहुत सारी सैटेलाइट आपको मिल जाती है। तो देखते हैं कोई अच्छी सैटेलाइट। तो यहाँ पर हम टाइकॉम इस सैटेलाइट को सेट करते हैं, जो कि 78.5 ईस्ट पे आती है, तो इसको हम ट्रैक करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर चुन लेना है सैटेलाइट, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो लोकेशन है वो आ जाएगा, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं उसका पूरा लोकेशन आ जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको अब बताएगा आपको अपने मोबाइल को किस तरीके से घुमाना है, और उसी तरीके से आपको अपने जो डिश एंटीना होता है उसको घुमाना है। तो यहाँ पर अब आपको देख सकते हैं टर्न द एंटीना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल को सेट कर लेना, उसके बाद में अपने एंटीना को घुमाना है। तो यहाँ पर अब 20 से 16 आ चुका है, तो यहाँ पर परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये है हमारा जो पूरा बराबर का यहाँ पर आपको करना है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर परफेक्ट आने देना है आपको। तो जैसे आप, तो यहाँ पर ये बता रहा है कुछ इस तरीके से आप, तो बस आपको जी ये बोल रहा है वैसे ही करना है दोस्तों। तो परफेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पर ये थोड़ा हाथ हिल जाता रहा है, तो परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ये परफेक्ट होते ही बस यही करना है आपको, ये परफेक्ट हो चुका है थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, इससे परफेक्ट करने के बाद में अपना जो एंटीना है उसी को इस तरह घुमाना है जैसे यहाँ पर ये लोकेशन में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये करेक्ट लोकेशन है, उसमें आपको अपने एंटीना को भी इसी तरीके से घुमाना है जैसे आपका फ़ोन है उस तरह आप घुमाएंगे अपने एंटीना को, तो यहाँ पर आपका सिग्नल मिल जाएगा, और सिग्नल मिलने के बाद में आपका जो सैटेलाइट है वो ट्रैक हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।